नमस्कार, मैं शिल्पा स्ट्रीट मेल टीम में आपका स्वागत है। डीएसपी आज जिला पुलिस द्वारा भट्टूकला के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइबर जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। डीएसपी गीतिका जाखड़ ने बताया कि साइबर अपराधों को रोकने के लिए युवाओं का जागरूक होना बहुत जरूरी है। पुलिस साइबर अपराधियों की धरपकड़ के लिए गंभीरता से काम कर रही है। जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी, तब तक ऐसे मामलों में कमी नहीं आ सकती। सेमिनार में जिला फतेहाबाद साइबर वॉलंटियर देवेंद्र कुमार व एएसआई सतीश कुमार ने भी विद्यार्थियों को साइबर अपराधों के बारे में जानकारी दी। जो है स्कूल से स्टार्ट होती है कि अगर स्टूडेंट्स को बताओ, वो चार जनों को और बताएंगे, फिर आगे चार जनों को और बताएंगे, अपने घर परिवार वालों को बताएंगे, आस पड़ोस वालों को बताएंगे और लोगों तक ये चीजें पहुंचे, जागरूकता ज्यादा से ज्यादा लोगों में आए। और जो साइबर क्राइम आजकल, तो इस चीज को कम करने के लिए हमें लगा कि शायद ये प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा होगा कि कुछ चीजें अगर आप लोगों के साथ शेयर करें हम। हरियाणा में लोगों को वह सुविधा मिलेगी जो देश में भी नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र बनाने वाला हरियाणा विश्व का पहला प्रदेश है। हरियाणा के अलावा भारत देश में ही नहीं बल्कि विश्व में ऐसी कहीं भी यह व्यवस्था नहीं है जहाँ पर परिवार पहचान पत्र बनाए गए हों। परिवार पहचान पत्र ऐसे व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं का समय पर आसानी से लाभ मिल सकेगा। लखीमपुर हिंसा के 41वें दिन बाद यूपी सरकार ने वहां के एसपी विजय डुल को हटा दिया है। उन्हें पुलिस मुख्यालय से अटैच किया गया है। उनकी जगह आईपीएस अधिकारी संजीव सुमन को लखीमपुर खीरी का एसपी बनाया गया। अब तक के लिए इतना ही। कुछ नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर, हमारे यहाँ पर डिजिटल एक्सरे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड, डिजिटल OPG एंड EEG टेस्ट, मेमोग्राफी, कलर डॉपलर, ब्रेस्ट एंड थायराइड अल्ट्रासाउंड और सभी प्रकार के CT स्कैन किए जाते हैं। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर, शिव हंस मॉल के पीछे, मॉडल टाउन, फतेहाबाद।